नमस्कार दोस्तों, यजडा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यजडा न्यूज चैनल में। दुबई में हुए 40वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे और पहली पारी में राजस्थान रॉयल ने 164 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान में। सबसे ज्यादा संजू सैमसन ने 82 रन बनाए और उसके अलावा यशस्वी जायसवाल और कैमरों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। सनराइजर हैदराबाद के बॉलर्स की बात कर तो सनराइजर हैदराबाद से सबसे अच्छी गेंदबाजी सिद्धार्थ कौल ने की। सिद्धार्थ कौल ने 2 विकेट निकाले। उसके अलावा राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की। दूसरी पारी में सनराइजर हैदराबाद ने 167 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। सबसे अच्छी बल्लेबाजी जेसन रॉय ने की। जेसन रॉय अपना पहला मैच खेल रहे थे सनराइजर हैदराबाद के सामने और उस कप्तान केन विलियमसन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। कप्तान केन विलियमसन ने 51 रन स्कोर किए 41 बॉल में। वही राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स में सबसे अच्छी बाजी मुस्तफिजुर रहमान ने की। उसके बाद महिपाल लैमरो और चेतन साकरिया ने की। तीनों ने 1-1 विकेट निकाले। मैच के बाद सनराइजर हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि जेसन रॉय ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और बॉलर्स ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स 16 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स है 16 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है 12 पॉइंट के साथ। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर है 8 पॉइंट के साथ। फिर पंजाब है 8 पॉइंट के साथ। मुंबई इंडियंस सेकेंड लास्ट है 8 पॉइंट के साथ। और सबसे आखिर में सनराइजर हैदराबाद है 4 पॉइंट्स के साथ। आज दो बड़े मुकाबले हैं। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स होगा और उसके बाद मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में होगा। कोलकाता नाइट राइडर की बात करूं तो कोलकाता नाइट राइडर ये मुकाबला जीतने की तरफ खेलेंगे और दिल्ली कैपिटल्स जो सेकेंड पोजीशन पे वो चाहेगी कि वो टॉप पोजीशन पे आए और कोलकाता चाहेगी कि वो थर्ड पोजीशन पे आए। थर्ड पोजीशन पे अभी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है, तो क्या होता है आज के मुकाबले में ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए यजडा न्यूज से। मैं विशाल मुकेश अंबानी।